बिहार के समस्तीपुर शहर के चीनी मिल में अपोलो डेंटल और मार्क हॉस्पिटल समस्तीपुर के सभागार डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार की माता स्वर्गीय राम कुमारी देवी की सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार ने तैल चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर किया। इस तिथि पर हर वर्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता था, परंतु इस वर्ष कोविड 19 काल को देखते हुए मार्क हॉस्पिटल प्रंग में शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवा करना अच्छी सेवा है, इससे जहां समाज के बड़े वर्ग को उसका लाभ मिलता है, वहीं दूसरी ओर समाज के लोग इसे प्रेरणा लेकर खुद ही दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को चाहिए कि ऐसे समाज सेवियों को उत्साहित एवं सम्मानित करें। उक्त बातें रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान ने माता स्वर्गीय राम कुमारी देवी के सातवें पुण्य स्मृति पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन के अवसर पर कहा। आगे बताते चले कि मैं अपने बचपन से ही माता राम कुमारी को जानता हूं और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ था। वही समाज सेवी महिला थी जिनका जन्म एक प्रखर समाजवादी नेता पूर्व विधायक वारिस नगर और कल्याण पुत्र बाबू वरिष्ठ नारायण सिंह के घर में हुआ और उनका ससुराल समाज सेवी वरिष्ठ नारायण सिंह के परिवार में हुआ। इस अवसर पर अपोलो डेंटल के निदेशक प्रमुख डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार कहते हैं कि समाज सेवा एवं जरूरतमंद की सहायता करने से उन्हें हर बार एक नई ऊर्जा मिलती है। समस्तीपुर से स्वदेशवाणी के लिए अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।